कोरोना वायरस के चलते जहां जिले भर में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, उसी के चलते नगर पालिका के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने आज बताया कि उनके द्वारा शहर में 2 से 3 बार सफाई की जा रही है एवं पूरे शहर में सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। रमजान के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग रमजान के पाक महीने में अपने घर में ही रहकर नमाज अदा करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं शहर काजी बिजनौर ने भी लोगों से अपील की कि घर में रहकर रमजान मुबारक के हकूक अदा करें और अपनी नमाजें घर पर ही अदा करें। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, साफ सफाई को लेके क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं बिजनौर में ही बढ़ता चला जा रहा है, तो साफ सफाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसको लेके क्या आपने हमारी सफाई हमने टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है। 4 बजे सुबह से कल से रमजान की वजह से 4 बजे सुबह सफाई होगी और वो लगभग 3 घंटे लगातार चलेगी। उसके बाद फिर हमारी शिफ्ट 12 बजे शुरू होगी, वो 3 बजे तक चलेगी और एक शिफ्ट हमारी 3 से लेकर 5 बजे तक चलेगी। 3 शिफ्टों में हम सफाई रखेंगे और बीच बीच में हम स्प्रे कीटनाशक स्प्रे भी और सैनिटाइज भी करते रहेंगे। और सारे सफाई नायकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कल हमने मीटिंग बुलाई थी। सफाई इंस्पेक्टर गोविंद चौधरी हमारे यहाँ हैं, वो भी पूरी तरीके से इसमें प्रयासरत हैं। हमारे ईओ साहब दुर्गेश्वर त्रिपाठी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हम लोग सफाई में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और ये पूर्व में भी हमने इतिहास रचा है। बिजनौर को उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सफाई में हम लेकर आए थे। हमारा प्रयास रहता है हमेशा हम सफाई में आला दर्जा का मुकाम हासिल करें। जैसे नगर पालिका में आपके द्वारा कोरोना मशीन लगाई गई है, क्या भविष्य में और जगह भी ये मशीन लगाएंगे? बिल्कुल लगाई जाएगी। सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब सब्जी मंडी नुमाइश ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, 100 फीट हम वहाँ पर वो एक मशीन लगाने वाले हैं। 1-2 दिन में वो मशीन लग जाएगी और अगर जरूरत लगेगी, जैसे रेलवे स्टेशन है और बस स्टॉप है, बस अड्डा है, वहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी लगाएंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको मशीन को लगाते रहेंगे। काजी माजिद जी, कल से रमजान चालू होने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? देखिए, इंशाल्लाह अगर आज चांद हो जाता है तो कल से रमजान शरीफ शुरू हो जाएंगे। मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया COVID-19 महामारी की जद में है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन हुआ है, सभी लोगों से गुजारिश है कि उस लॉकडाउन का पूरी तरीके से अमल करें, कोई काम ऐसा ना करें कि जिससे कि कोई परेशानी पैदा हो। जिस तरीके से तकरीबन 1 महीने से सब लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से रमजान के अंदर भी घरों के अंदर ही नमाज पढ़ें, मस्जिदों की तरफ कोई रुख न करे। मस्जिद में जो 1-2 आदमी अगर हैं तो वो नमाज पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई मस्जिद में न जाए, अपने घरों में नमाज पढ़े और अल्लाह की इबादत करे। रोज़ा इस महीने की अहम इबादत है, रोज़ा रखे, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करे, तमाम जो नकली इबादत हैं वो करे और अल्लाह से रो रो करके मिलाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी से पूरी दुनिया को निजात दिलाए और जितने लोग इस बीमारी में मुलव्वस हैं सबको जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा।